नमस्कार, मायसेल्फ डॉक्टर स्नेह कुमार मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़, वेलकम्स यू ऑल इन टुडेस लेक्चर ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक ऑफ यूज ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ऑन यूज ऑफ क्वेश्चनेयर। दिस बोथ tools of data collection are very popular in social researches such as a questionnaire and interview schedule. Both are popular and both are used widely by various kinds of research scholars in their respective fields. So today we will discuss on this topic with this subtitles. I will explain each subtitle and clarify the concept behind the interview schedule and the objectives of interview schedule. So first we point out the subtitles of this main topic, then I will explain it. The first one is, it is a question sheet prepared through interview guide. It is a question sheet prepared through interview guide. The second one is, most of the questions are optional and few are descriptive. Most of the questions are optional and few are descriptive. The third one is, most popular tool for data collection in social researches. Most popular tool for data collection in social researches. The next one is, can be used for both educated and uneducated respondent. It can be used for both educated and uneducated respondent. The next one is, must be filled by scholar while interviewing respondent. Must be filled by scholar himself or herself while interviewing respondent. These are the subtitles which we will discuss later on in our today's lecture and discussion. So first I will explain the concept of interview schedule. When we talk about any schedule, it is a pre-planned idea for doing some work. And when we schedule something in a written form or in some kind of ideas and some kind of planning, we have to do some work according to this planning and idea which we are scheduling. So in social researches, we have to schedule our data collection technique. So for data collection technique, we can use in this content the process of interview, साक्षात्कार, जिसे हम कहें हिंदी में साक्षात्कार की जो प्रक्रिया होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, तथ्य संग्रहण की तकनीक के लिए। खैर, साक्षात्कार जो होता है इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर से आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, मेमोराइज कराना चाहूँगा कि जो साक्षात्कार होता है ये एक सिंपली अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो ये उद्देश्यपूर्ण बातचीत को हम साक्षात्कार कहते हैं। जब भी हम किसी मोटिव के साथ, किसी उद्देश्य के साथ कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरव्यू। ओके, देन व्हाट इज इंटरव्यू शेड्यूल। जब हम डाटा कलेक्शन के लिए क्षेत्र का चुनाव कर लिए होते हैं, अध्ययन क्षेत्र का, सैंपलिंग की टेक्निक के द्वारा जो हमारे
रिस्पोंडेंट होंगे, उन रिस्पोंडेंट का चुनाव कर लिए होते हैं उस अध्ययन क्षेत्र के समग्र में से। तो वो जो हमारे रिस्पोंडेंट होंगे मे बी 300 और मोर देन 300 पीपल्स, तो उन 300 से अधिक जो हमारे उत्तरदाता होंगे, संभावित उत्तरदाता जो हमारे होते हैं, जिनको हमने चयन किया हुआ होता है सैंपलिंग के टेक्निक के द्वारा और पॉइंट आउट किया होता है कि हमें इन्हीं रिस्पोंडेंट के द्वारा अपना डाटा कलेक्शन करना है, तो इस प्रक्रिया के लिए, डाटा कलेक्शन की इस प्रक्रिया के लिए हमारा जो अध्ययन के उद्देश्य है, उन अध्ययन के उद्देश्यों से संबंधित हम तथ्यों का संकलन करना चाहते हैं, तो उस प्रकार के प्रश्न तैयार करने होते हैं जो हमारे अध्ययन के उद्देश्यों को जस्टिफाई करें, क्लेरिफाई करें, उनका प्रमाणीकरण करें और उन्हें स्पष्ट करें, ऐसे प्रश्नों की सूची तैयार करनी होती है। सामान्यतः क्वेश्चनायर में या इंटरव्यू शेड्यूल में लगभग हम जनरली ऐसा देखने को आता है विभिन्न प्रकार के सोशल रिसर्चेस में, सामाजिक शोधों में अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस हम विभिन्न प्रकार के रिसर्च करने वाले जो स्कॉलर्स हैं, सोशल रिसर्च करने वाले, लगभग उतने तैयार करते हैं। और इन 50 क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए इंटरव्यू गाइड का सहारा लिया जाता है। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग इंटरव्यू शेड्यूल, दैट शेड्यूल ऑफ द क्वेश्चंस वी विल प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ with the direction of interview guide. Okay, we will discuss later on about interview guide. तो हमने समझा कि ये questions की, प्रश्नों की तालिका होती है, लगभग इसमें 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, इन जनरल ऐसा होता है सोशल रिसर्चेस में, और इससे संबंधित उत्तर को जानने का हम प्रयास करते हैं उन रिस्पोंडेंट से, जिन रिस्पोंडेंट्स को हमने अपने सैंपल्स के रूप में चुना है विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट सैंपलिंग टेक्निक। और जब हम डाटा कलेक्शन करने के लिए फील्ड में उतरते हैं तो इंटरव्यू गाइड की सहायता से हमें उन इंटरव्यू शेड्यूल के क्वेश्चंस को तैयार करना होता है, एंड द सेम इंटरव्यू शेड्यूल विल यूज फॉर ऑल द 300 और मोर देन 300 रिस्पोंडेंट व्हिच एवर आर एप्रोप्रिएट फॉर योर सोशल रिसर्च, एंड वी विल प्रिपेयर दिस इंटरव्यू शेड्यूल in respective to the objectives of our research. Okay, अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही हम इंटरव्यू शेड्यूल का निर्माण करते हैं, और इसमें लगभग कितने क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और इन क्वेश्चंस को किस डायरेक्शन के आधार पर तैयार किया जाता है इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसको और आगे हम इन सब टाइटल्स में समझने की कोशिश करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है क्वेश्चन सीट प्रिपेयर्ड थ्रू इंटरव्यू गाइड। अभी भी हमने चर्चा की ये क्वेश्चंस की सीट होती है, शेड्यूल होता है, जिसको हम इंटरव्यू गाइड के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इंटरव्यू गाइड? इंटरव्यू गाइड इज अ गाइड एंड द small direction points for preparing the interview schedule. So interview guide contains small directing points. It is prepared with a proper mindfulness of our research objectives. With the help of the research objectives, we can prepare the interview guide, which contains the points which are a direction for preparing interview schedule. तो वो ऐसे निर्देशों को अपने आप में contain किए हुए होता है, धारित किए हुए होता है हमारा interview guide, जो अध्ययन के उद्देश्यों से संबंधित निर्देश हमें प्रदान करता है कि हमें इस direction में क्वेश्चंस पूछने हैं, तथ्यों का संकलन करना है, डाटा कलेक्शन करना है, ऐसे निर्देश उसमें होते हैं, और उन्हीं निर्देशों के अनुसार हमें
साक्षात्कार अनुसूची इंटरव्यू शेड्यूल का फॉर्मेशन करना होता है, उन सारे क्वेश्चंस को जो अप्रोक्सीमेटली 50 और मोर देन 50 हो सकते हैं, इनको हम तैयार करते हैं इंटरव्यू गाइड के उन पॉइंट वाइज निर्देशों की सहायता से जो हमने इंटरव्यू गाइड में निर्मित किए हैं, जो निर्देश हमने इंटरव्यू गाइड में साक्षात्कार निर्देशिका में निर्मित किए हैं। तो आई थिंक आपको साक्षात्कार निर्देशिका का इंटरव्यू गाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बिकॉज विदाउट द मेकिंग ऑफ इंटरव्यू गाइड वी कैन नॉट मेक अ प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट इंटरव्यू शेड्यूल। सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द इंटरव्यू गाइड, देन अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू गाइड वी कैन मेक इंटरव्यू शेड्यूल। That is more scientific and more appropriate method for data collection in our social researches. Okay, next point we will discuss. Most of the questions are optional and few are descriptive. In the interview schedule, most of the questions are optional. You can put 4 options or 5 options, the appropriate options which are the most scientific most clear answer for the question which you are asking for data collection. So these 4 or 5 options which you have very consciously and very objectively prepared, that you have to put in your interview schedule, and very few questions are descriptive in interview schedule, just like questionnaire. हमने जब questionnaire की चर्चा की थी, प्रश्नावली की चर्चा की थी, तो प्रश्नावली की चर्चा करते समय भी हमने इस बात को ध्यान में रखा था और हमने देखा था कि प्रश्नावली में भी जो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शनल प्रकार के होते हैं, वो वैकल्पिक प्रकार के होते हैं, और केवल कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैंने कहा था जनरली ऐसा होता है 2-3-4 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन हमें डिस्क्रिप्टिव नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इनमें दिक्कत ये होती है कि जब हम डाटा एनालिसिस करेंगे, डाटा का क्लासिफिकेशन करेंगे और रिजल्ट फॉर्मेटिंग इस प्रोसेस में जाएंगे, तो हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को एनालाइज करने में, क्लासिफाई करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऑप्शनल क्वेश्चंस का डाटा एनालिसिस करना, उसके स्टैटिस्टिकल टेबल्स बनाना या कंप्यूटिंग करना और मेनी काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स की सहायता से उसे इंटरप्रेट करना तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली इजी होता है, इसलिए हम जो है ज्यादातर क्वेश्चंस को वैकल्पिक रखते हैं क्वेश्चनायर में भी और इंटरव्यू शेड्यूल में भी, और बहुत कम क्वेश्चंस को जिनमें ऑप्शन रखे ही नहीं जा सकते हैं, जिनको डिस्क्रिप्टिव होना अनिवार्य है, ऐसी प्रकृति है, ऐसा नेचर है जिन क्वेश्चंस का, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्क्रिप्टिव रखते हैं जो कि लेस देन 5 होने चाहिए, उससे ज्यादा हो तो जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा जो है स्कॉलर की दिक्कतें, आपकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड रिस्पोंडेंट। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड रिस्पोंडेंट। हमने याद करिएगा, जब हम क्वेश्चनायर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था क्वेश्चनायर कैन बी यूज्ड ओनली इन बिटवीन एजुकेटेड रिस्पोंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल रिस्पोंडेंट। क्यों? क्योंकि इसको हम प्रेषित करते हैं, डाक द्वारा प्रेषित करते हैं, डाक द्वारा प्रेषित कर रहे हैं या मेल द्वारा प्रेषित कर रहे हैं या किसी ऐप को डेवलप करके प्रेषित कर रहे हैं या गूगल फॉर्म्स के माध्यम से हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं क्वेश्चनायर के रूप में, तो इन सभी प्रोसेस को जिसको भी हम यूज करें क्वेश्चनायर के लिए, जिस भी टेक्निक का इस्तेमाल करें हमारे क्वेश्चनायर टूल के अंतर्गत, हमें जो है हमारे रिस्पोंडेंट एजुकेटेड होने चाहिए और एजुकेटेड होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, तभी तो हम सफलतापूर्वक सक्सेसफुली डाटा कलेक्शन कर पाएंगे, तथ्य संकलन कर पाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर इररिस्पॉन्सिबल टाइप के हमारे रिस्पोंडेंट हैं या अनएजुकेटेड हैं या प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, है ना, तो दिक्कतें हो सकती हैं और
अगर डाटा कलेक्शन में दिक्कत होगी तो आगे की सारे जो प्रोसेस है, आगे के सारे स्टेप जो है हमारे रिसर्च के, वो गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन आयर का जब हम यूज करते हैं तो प्रॉपरली एजुकेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन के बीच ही इसे यूज करना चाहिए। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ क्वेश्चन आयर, बट इंटरव्यू शेड्यूल कैन बी यूज for both educated and uneducated respondent, because in interview schedule the scholar himself will feel the schedule, he will ask or she will ask the respondent the questions which are mentioned in the interview schedule, and himself or herself feel the whole seat in the form of interview schedule. Because of that, it can be used for both educated and uneducated respondent. So, इसमें क्या करना होता है, हमने ये समझा। अगला जो subtitle है वो इसी से related है। It can be much felt by scholar while interviewing respondent. तो इंटरव्यू शेड्यूल को इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया के दौरान जो है स्वयं जो रिसर्चर होगा, स्कॉलर होगा, शोधार्थी होगा, वो स्वयं भरेगा, पूछते जाएगा, भरते जाएगा, भरने के लिए नहीं दे देगा सामने वाले। इट इज रॉन्ग प्रोसेस। स्वयं भरना है, पूछना है आपको रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस विच आर listing in your interview schedule, and you have to fill yourself whichever response is given by the respondent, you have to fill yourself. That is the right process. And after this, when you have collected all the data from all the respondent, the process of data analysis begins. So today we have discussed on this topic of use of interview schedule. I think you have understood it. Enough for today. In next lecture we will meet with the next topic. Thank you so much. Namaskar.